तो हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट तो जैसे तो सभी को आता है, ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेट पढ़ते समय कभी हम नंबरिंग पे ध्यान नहीं देते। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार हम ये भी सीखेंगे कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन को इसे सॉल्व करेंगे। जैसे ए वन, ए आपका आता है वन पे, बी टू पे, थ्री थ्री पे, सी आता है डी फोर पे, ई फाइव, एफ सिक्स, जी सेवन, एच एट, आई नाइन, जे टेन, के इलेवन, एल ट्वेल्व, एम थर्टीन, एन फोर्टीन, ओ फिफ्टीन, पी सिक्सटीन, क्यू सेवनटीन, आर एटीन, एस नाइनटीन और टी ट्वेंटी, यू ट्वेंटी वन, वी ट्वेंटी टू, डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री, एक्स ट्वेंटी फोर एंड वाई ट्वेंटी फाइव और जेड 26, ठीक है। ये तो सभी को पता होता है कि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, लेकिन ये हम कभी ध्यान नहीं देते कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो आज हमने सीखा है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, तो अब हम इसको क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करना है। जैसे यहाँ लिखा है शो, एस एच ओ डब्ल्यू, शो, ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे क्या लिखा है, ओ डब्ल्यू एच एंड एस, ठीक है। वैसे तो ये बहुत इजी है, इसमें क्या किया है, जो आपका फर्स्ट लेटर है यानी जो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर दिया था उसको इसने क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया, फिर इसके बाद सेकेंड को उसके लास्ट में, फिर थर्ड इसको, थर्ड को किया इसने बिल्कुल फर्स्ट में, एंड जो लास्ट में था उसको सेकंड नंबर पे किया है। तो ऐसे ही हमें इसमें भी फॉर्मेट करना है, सेम फॉर्मेट हम इसमें भी करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एस था उसको सबसे लास्ट में किया, तो आपका यहाँ पे एफ है तो सबसे लास्ट में हम क्या लिख, इसको एफ को सबसे लास्ट में लिख दें, यानी एफ पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच लास्ट से सेकेंड नंबर पे, ओ लास्ट से सेकेंड नंबर पे, ठीक है, फिर ओ है फर्स्ट नंबर पे यानी सबसे आगे दिया है, यानी जो आपका यू है ये सबसे पहले आ जाएगा। ओके, फिर यह है डब्ल्यू सेकंड नंबर पे, यानी जो आपका यू यू है, ठीक है, यानी जो आपका एल है वो आएगा आपका सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ये वाला यू एल ओ एफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया था एस को सबसे लास्ट में, हमने एफ को सबसे लास्ट में रखा, फिर H को यहाँ पे दिया था लास्ट में सेकंड नंबर पे, तो हमने क्या किया, O को यहाँ पे रखा, ठीक है, सेकंड नंबर पे। उसके बाद है O को यहाँ पे दिया इसको फर्स्ट नंबर पे, तो यानी जो हमारा U था यानी जो हमारा थर्ड था उसको हमने क्या रख दिया, फर्स्ट पे, एंड उसके बगल में जो लास्ट था उसको हमने रखा सेकंड नंबर पे, एक। तो ये था फर्स्ट आंसर। सेकेंड है सी एफ जेड, उसका सही क्या है, एच आई यू, ठीक है, इसका ये है नेक्स्ट, यानी आपको ये वाला निकालना है, इसके आगे वाला दे रखा है जे एल एस, ठीक है, जे एल एस, ठीक है, तो हमें बीच वाला इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे सी और एच में कितने नंबर का गैप है, ठीक है, तो सी डी ई एफ जी, ठीक है, तो कितने नंबर का गैप हुआ इसमें, प्लस फाइव, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो प्लस होगा, और अगर हम पीछे जा रहे हैं तो वो माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस फाइव। फिर एफ और आई में देखना कितना है, एफ जी एच, तो प्लस थ्री है ना, प्लस का थ्री हो गया। उसके बाद जेड और यू, ठीक है, तो जेड तो सबसे लास्ट में होता है और यू उससे पहले होता है, तो हम ये माइनस में जाएंगे, यानी जेड फिर वाई फिर x फिर w एंड v, तो कितना होगा, माइनस का फाइव हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये माइनस का फाइव। तो हमें पहले क्या करना है, स्टेप पहले क्या है, प्लस का फाइव, प्लस का थ्री एंड माइनस का फाइव, तो उसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे। पहले हम करेंगे इसका प्लस का फाइव, ऐसा करना है जो यहाँ पे j आ जाए, तो हमें क्या करना है, इसमें भी ऐसे ही करना है जैसे हमने इसमें किया, वैसे ही इसमें भी करना है। तो क्या करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढना जो प्लस फाइव आने पे आपका जे आए, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो क्या हम क्या करेंगे, इससे पीछे जाएंगे, यानी
आई, फिर एच, फिर जी, फिर एल, यानी ई आएगा, ठीक है। तो पहले हमारा क्या आएगा, ई आएगा, फिर एल है तो इससे आगे जाना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा, के, फिर जे, फिर आई, तो इसमें क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। और एस है यानी आपको क्या करना है, आगे जाना है, ठीक है। तो एस, टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, उसके बाद आपका आएगा एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड आंसर ये आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसमें लिखा है एस एन ओ पी, ठीक है। यहाँ के और यहाँ के आंसर सेम है, बस इनमें क्या किया है, ये उल्टे सीधे कर दिए, किसी को आगे रख दिया, किसी को पीछे रख दिया, किसी को बीच में रख दिया है। तो ऐसे ही हमें इसमें भी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एस है, एस को, एस के बाद क्या है, एस एन ओ पी, तो यहाँ पे जो ओ है, इसने जो आपका ओ है, इसने इसको पहले रख दिया है। फिर उसने क्या किया है, एन, यानी जो आपका सेकंड नंबर पे एन था, इसने यहाँ पे सेकंड नंबर कर दिया है। उसके बाद एस जो आपका फर्स्ट नंबर है, इसको थर्ड नंबर किया है, और लास्ट में पी था तो इसने पी को लास्ट में कर दिया। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। जो आपका बीच वाला ओ है, उसको मैं पहले इसमें रखा है, तो हमारा बीच वाला क्या है, इसमें ए है, ठीक है, थर्ड नंबर पे ए है, तो इसको हम पहले रख देंगे, यानी ए हमने पहले लिख दिया। फिर उसके बाद था एन, यानी जो आपका सेकंड नंबर पे एन था, इसके सेकंड नंबर पे आया, यानी हमारे क्या है, एल, तो ए के बाद हम क्या लिखेंगे, एल, ए के बाद एल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या है, एस, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर पे था, इसने थर्ड नंबर पे किया, यानी जो हमारा सी है फर्स्ट नंबर पे, इसको हम थर्ड पे कर देंगे, यानी एल के बाद सी कर देंगे। देन उसके बाद वाई है, वाई को एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था, ठीक है। अब अगला, अब इसमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, वैसे ही हमें इसमें भी करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन नंबरों के बीच में गैपिंग देनी है, क्यों, क्योंकि जो लेटर है और इधर वाले लेटर है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये अलग है और ये अलग है। तो हम क्या करेंगे, इन वाले लेटर और इन वाले लेटर में गैपिंग देखेंगे कि इसमें कितने का गैपिंग क्या है, ठीक है। ये देखेंगे, इसके पहले दिया है ए, ए एंड सी, इन दोनों में देखेंगे पहले, ए और सी में कितने नंबर का गैप है, ए एंड बी, बी के बाद सी आता है, तो सी हमें नहीं गिनना, सिर्फ एक गिनना है ए और बी, तो कितने नंबर का गैप हुआ, प्लस टू, प्लस का टू, क्योंकि हम आगे बढ़े हैं। उसके बाद है जेड और एक्स, जेड और एक्स, जेड और एक्स, यानी जेड लास्ट में आता है और एक्स पहले आता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी जेड, तो क्या करेंगे हम, जेड पहले लास्ट में आता है एंड एक्स उससे पहले आता है, तो क्या करेंगे हम, जेड एंड वाई, तो हम क्या करेंगे, माइनस का टू आएगा, क्योंकि हम दो कदम पीछे गए हैं, तो माइनस का टू आ गया। उसके बाद है बी एंड डी, बी एंड डी में कितना फर्क है, बी एंड सी, तो कितना हो गया, प्लस का टू हो गया ये, प्लस का टू हो गया ये, है ना। उसके बाद देखना है वाई एंड डब्ल्यू, वाई एंड डब्ल्यू, यानी वाई और एक्स, यानी माइनस का टू हो गया, इसमें क्या हो गया, माइनस का टू, ये हो गया माइनस का टू, ठीक है। तो पहले क्या करना है, प्लस टू, फिर माइनस टू, फिर प्लस टू, फिर माइनस टू, इस तरीके से इसमें दे रखा था, सेम हमें इसमें भी करना है, तभी तो हमारा आंसर आएगा। यानी क्या है, पहले ई, हमें क्या करना है, पहले प्लस टू करना है, यानी ई एफ, एफ के बाद क्या आएगा, जी, ठीक है, तो जी लिखेंगे हम, क्योंकि प्लस टू गए हम। उसके बाद लिखा है वी, तो हमें क्या जाना है, माइनस का टू, यानी पीछे जाना है, तो V एंड U, उसके बाद क्या आता है, B एंड U के बाद क्या आएगा, T आएगा, ठीक है, तो माइनस का टू हो गया। फिर क्या करना है, फिर प्लस टू जाना है, यानी F, फिर हमें क्या करना है, प्लस टू जाना है, यानी आगे जाना है, F एंड G, G के बाद क्या आएगा, H आएगा, ठीक है, H लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा है, लिखा है U, यानी हमें क्या करना है, माइनस का टू जाना है, यानी U, उसके बाद T, तो क्या आएगा यहाँ पे, S आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जैसे इसमें दिया था वैसे हमने दिया है, तो ये है आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, डी ई एफ, सेम लेटर इधर भी दे रखे हैं, बस आगे पीछे हैं, डी ई एफ एफ सॉरी ई एफ डी, ई एफ डी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, एफ जी एच, यानी इनको भी हमें क्या करना है, इधर से उधर करना है, बस कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे लिखा है डी, तो डी लास्ट में है, फिर ई
पहले है और एफ बीच में है, तो ऐसे हमें करना है। एफ को हम लास्ट में लिख देंगे, उसके बाद है ई को पहले है, यानी जी पहले है, जी पहले आ जाएगा और एच बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया, तो बहुत से इजी है ना। उसके बाद हम ये वाला करेंगे, यहाँ पे लिखा है वाई टी ओ जे एक्स एस एन आई, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब हमें नंबरिंग से करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था, यानी वाई और एक्स में देखना है कितने नंबर के गैप है वाई और एक्स में। तो वाई और एक्स, यानी वाई पहले पहले आता है, एक्स के बाद आता है आपका वाई, पहले आता है एक्स उसके बाद वाई आता है, तो हम क्या जाएंगे एक कदम पीछे जाएंगे, तो यहाँ आएगा माइनस का वन, इन दोनों में आएगा माइनस का वन, माइनस वन आएगा। फिर टी और एस, टी और एस में भी माइनस का वन आएगा, क्योंकि एस पहले आता है टी बाद में आता है, यानी माइनस वन आएगा इसमें भी, माइनस का वन। उसके बाद ओ एन एन माइनस वन, एक कदम पीछे जाना है। जे और आई, इसमें भी एक कदम पीछे जाना है, तो समय क्या है माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसमें भी करना है। यहाँ लिखा है W, तो आप क्या हो गया W से पहले क्या आता है V आता है, तो हम लिखेंगे V। ठीक है, उसके बाद है R, R से पहले क्या आता है Q आता है। फिर है M, M से पहले क्या आता है L। ठीक है, और H, H से पहले क्या आता है G, यानी माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, जैसे यहाँ पे किया वैसे हमने यहाँ किया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा एंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको अल्फ़ाबेट में जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। और आप अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखकर ये जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।